कोरोना की स्थिति में सुधार देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा एक प्रश्न पत्र तथा प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई थी। इन किताबों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों द्वारा सभी विद्यार्थियों की तैयारी कराई गई थी। परीक्षा देने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रश्न बैंक से बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने इसका विरोध करने के लिए संगठित होकर तराना तहसील कार्यालय में नारेबाजी कर अपना विरोध प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि या तो सरकार को प्रश्न बैंक जारी नहीं करने चाहिए था, या तो फिर जारी किया भी था तो उसमें से प्रश्न को पूछा जाना चाहिए था। हमने इस प्रश्न बैंक के द्वारा ही अपनी तैयारी की है। और ये चाह रहे थे कि जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं वो संचालनालय द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उससे उसमें नहीं है जी, परंतु ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स हो जी, यानी सारे प्रश्न किताबों से ही पूछे गए हैं। तो इनकी ये मांग थी कि इसमें हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए इस संबंधी। सर, क्या वास्तविक जो शासन द्वारा बुक उपलब्ध करवाई गई थी और प्रश्न नहीं बैठे उससे? ये जो प्रश्न बैंक दी गई है और बच्चों का ये कहना है तो ये इसका मिलान करके ही इस पर कुछ कहा जा सकेगा, क्योंकि तो ये अभी हाल मामला संज्ञान में आया है, तो इसलिए मैं अभी तत्काल में कुछ नहीं कह सकूंगा कि इसमें उस प्रश्न बैंक से संबंधित प्रश्न आया। धन्यवाद। कौन से स्कूल के छात्र हो, क्या नाम है आपका? हम शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह पवार नाम है। क्या मामला है आपका? अभी हमको विद्यालय द्वारा एक प्रश्न बैंक दी गई थी, भोपाल शिक्षा मंडल द्वारा ये प्रश्न बैंक जारी की गई। हाँ। हमें भरोसा दिलाया गया कि 80-85% प्रश्न इसी में से आएंगे। हाँ। इसमें से 5-10% भी नहीं बैठ रहे हैं जी। और वैसे भी पहले से शिक्षा विद्यार्थी सब परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, प्रश्न बैंक के भरोसे सब तैयार हुए और उसके बावजूद भी इसमें से 5-6% क्वेश्चन आंसर नहीं आया। शासकीय शासकीय पुस्तक है और हमें विद्यालय से निःशुल्क वितरण की गई थी और भरोसा दिलाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि इसी में से आएंगे और एक महीने पहले ये हमारे को विपरीत की गई थी और उसके बावजूद भी इसमें से एक या दो प्रश्न भी मुश्किल से कोई कोई प्रश्न में बैठे। अगर 3 दिन में फैसला नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी और यहाँ की सरकार रहेगी, शिक्षा मंडल। और अगर 10 दिन में इसका कोई निराकरण नहीं हुआ तो कलेक्टर ऑफिस तक हम जाएंगे उज्जैन। क्या नाम है आपका? बलराम बेरागी। आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो, कहाँ पर पढ़ते हो? मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तराना उत्कृष्ट स्कूल का छात्र हूँ मैं। छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र शक्ति जिंदाबाद। तो आप छात्र हैं, ये आपको शोभा देता है? आप रोड पर बैठे हैं, आप न्यायालय में बैठे हैं, शोभा तो नहीं देता? अधिकारी अधिकारी आपको बता रहे हैं कि वो आपके प्रश्न हल कर रहे हैं, समस्या हल कर रहे हैं, आप उनको कुछ समय नहीं देंगे? हम समय देंगे, हम यहाँ पे ज्ञापन देंगे, डीओ साहब को देंगे। हम पहले भी इसके बारे में ज्ञापन दे चुके थे एक महीने पहले, जब परीक्षा आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ज्ञापन हमारा मान्य नहीं किया गया। और अगला हम ये प्रश्न बैंक में से कोई सा भी प्रश्न नहीं आया, या तो सरकार हमें जनरल प्रमोशन दे या फिर वापिस परीक्षा करवाए या इसका छात्रों के हित में और कोई निराकरण किया जाए। हमें से एक बच्चे को भी कुछ भी होता है तो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल इसका जिम्मेदार रहेगा। छात्रों की दलील है कि ऐसी प्रश्न बैंक का क्या मतलब जिसमें से सवाल पूछे ही नहीं जा रहे हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।